छोटा सा ब्लॉग भी बना लेता हूँ। तो आज मैं एक उबेर के अंदर हूँ, सॉरी ओला के अंदर हूँ। तो अब लोगों मतलब बहुत सारा लोगों ने मेरे को पिंग किया था, मतलब ओला और उबेर के बारे में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मतलब एज ए ओनर वो लोग गाड़ी लगाना चाहते हैं ओला उबेर में, और एज ए ड्राइवर वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो कैसे इनकम है, कैसा प्रॉफिट है, तो आज मैं हम लोग जानेंगे। तो मैं अभी दिनेश जी का साथ हूँ, एक्चुअली उन्होंने ओला में काम करते हैं। तो उनकी उनसे ही पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, बोल रहा हूँ, मैं ओला पार्टनर हूँ, ओला चलाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके दिनेश जी, मतलब कोई समझिए गाड़ी लगाना चाहता है ओला में, तो उनका कितना प्रॉफिट मिलेगा पर मंथ? ये अपना खुद चलाने से तो ज्यादा फायदा है, ड्राइवर को देने से थोड़ा कम फायदा है। ओके और गाड़ी मतलब कैश में खरीदना पड़ेगा या ईएमआई भी ओला बियर करता है, ओला देता नहीं, है? ओला का ईएमआई नहीं है, जो ईएमआई है आपका है। अच्छा, आपका गाड़ी, आपका तेल। ओके, ईएमआई तेल वेल छोड़ के मतलब प्रॉफिट कितना हो जाता है, मतलब खुद चलाएंगे तो? महीना का 20,000 का करीब तेल हो जाता है, 20,000 करीब ड्राइवर अच्छा। का हो जाता है। अच्छा, और 20,000 करीब होता है मालिक का, उसमें फिर आपका ईएमआई रहता है 15,000-20,000 का, उसमें फिर क्या बोल वो पुलिस का वो रहता है केस। हाँ वो तो लगा ही रहता है, और मतलब वो छोड़ के कुछ भी एक्सीडेंट फैक्सीडेंट जो होते हैं छोटा मोटा होते ही रहता है हम लोग का ओला कैब में, उसका डैमेज या सब खुद मालिक को देने पड़े। अच्छा, मतलब तभी भी कितना प्रॉफिट आता है सब कुछ छोड़ के? 20,000। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिसका मन है ओला उबेर में गाड़ी लगाने के लिए, तो आपको शायद इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दिनेश जी से। तो बेटर है आप खुद ही गाड़ी चलाइए और खुद ही ओनर बनिए, तभी आपका कुछ प्रॉफिट मिलेगा जी। तो और कुछ बोलना चाहते हैं दोस्तों के? मतलब और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ अभी, थोड़ा ड्राइव कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है, बाद में बात किया जाएगी। ओके हाँ गाइस, हियर आई एम क्लोजिंग द वीडियो, होप यू गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिनेश जी, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।